हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस में। गाइस, इस समय ठंड के टाइम मेथी बहुत अच्छे से आ रही है, तो हम बनाएंगे कस्तूरी मेथी लेकिन नए तरीके से। देखिए गाइस, सब लोग बोलते हैं इसको सुखा लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, छाई में सुखा लीजिए, सूख जाएगी, अच्छी होगी। लेकिन नहीं, ऐसी अच्छी नहीं होगी। ये देखिए इसकी शक्ल कैसी बन गई, एकदम बेकार सी बन गई। तो आज हम एक नई ट्रिक लेकर के आए हैं जो कि आप देखिएगा, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी सी है और बहुत यूनिक और बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हटाइए, ये तो हो गई बेकार हमारी। और ये देखिए, ये दूसरी हमने मेथी ले रखी है जिसको हमने ऐसे पत्तियों में तोड़ लिया है। तो देखिए अब इसको हम कैसे बनाते हैं कस्तूरी मेथी, तो जरूर देखिए पूरी वीडियो। और ओवन, जिसके घर में ओवन नहीं है वो भी कर सकता है, वैसे जिसके घर में ओवन है वो तो ऐसे ही अपने फाइल पर रख ले, ओवन से बन जाएगा। मगर जिसके घर में ओवन नहीं है वो क्या ट्रिक अपनाए वो हम आज सिखाएंगे आपको। ये देखिए गाइस, इस तरह से रखेंगे कढ़ाई अपनी फ्लेम पर। देखिए गाइस, हमारी कढ़ाई काफी अच्छे से हीट आ चुका है इसमें। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से हम अपनी इसमें दूर दूर फैला देंगे, देख सकते हैं इस तरह से, एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए, दूर दूर फैलाएंगे अच्छे से इस तरह से। गाइस ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बच्चे भी आराम से कर लेंगे। क्या करना है, बस कुछ नहीं, पत्तियां तोड़ लेनी है, बच्चों को दे दो, खेल खेल में बच्चे ऐसे तोड़कर दिखा देंगे आपको पत्तियां। और अब कुछ नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही सिकने देंगे। तो देखिए कैसे सिकती है, कितने आराम से इसका सारा का सारा मॉइस्चर हट जाएगा, बहुत अच्छे से ये सिक जाएंगी, देख लीजिएगा। ये देखिएगा, इसको बीच बीच में ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे जिससे कि ये तली में चिपके नहीं, बिल्कुल चिपकनी नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है, जिससे ये अच्छे से सिके हमारी। आराम से इसको सिकना है, तो इसको अच्छे से पलटते हुए हम सेक देंगे इस तरह से, और इसको हम फिर सेक सकते हैं। गाइस हमारी अच्छे से सीख चुकी है, और देखिएगा ये देखिए इस तरह से कर रहे हैं, ये देखिए चूरा आ रहा है, तो बस ये हमारी सीख चुकी है। अब इसको हम अगर बाहर निकाल कर रखेंगे ना तो और भी हो जाएगी क्रिस्पी। तो देखिए कैसे करते हैं, ये देख सकते गाइस, दोबारा से हम फिर इसमें ऐसे ही फैला देंगे एकदम से, और इसको बस थोड़ा सा उलटते पलटते रहना है जिससे कि एकदम से सिक जाए अच्छे से, ज्यादा नहीं हो, ठीक है, बस इसी तरह से, इस तरह से। और इसको भी हम थोड़ते गए, दूसरी बार की भी बढ़िया सी हो गई है क्रिस्पी, तो इसको भी अलग हटा लेंगे। अब ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारी हमने ऐसे कर लिया, ये हमारा हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, इसको हम ऐसे ऐसे करके मसल देंगे। जो पत्तियां हमारी सूखी हैं, ये देखिए नीचे से गिर रही हैं, दिख रहा होगा अच्छे से, तो ये इसको हम ऐसे करके निकाल देंगे। और ये जो बचा है इसको हम अलग रख लेंगे, क्योंकि इसमें अभी इसको भी हम कढ़ाई में अपने इसी तरह से कढ़ाई में इसमें डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद, ठीक है, तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए पत्तियां, अब ये देखिए जिसके घर में माइक्रोवेव नहीं है वो आराम से इस पर भी बना सकते हैं कस्तूरी मेथी। ये देखिए अब इसमें ये हम डाल देंगे, ये बची हुई जो ये है ये भी, और तो ये भी और सिक जाएंगे इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए इस तरह से, तो ये गर्म होंगी और गर्म हो जाएंगी तो ये और क्रिस्पी हो जाएंगी। और ये देखिए हमारी मेथी कस्तूरी मेथी तैयार है। आप इसको चाहे खाने में बनाइए या सब्जी के रूप में बनाइए, और उसको सालों साल आप एयर टाइट जार में रख लीजिए करके, बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो ये आज की हमारी ये रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।